जैसे आपने कहा कि नंबर चार का आपने एक बात कही कि जिसके हस्बैंड या वाइफ नंबर फोर है उन्हें अच्छे से रियलाइज होगा कि क्या बोल रहे हैं आप, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू आस्क कि अगर कोई नंबर चार है तो उन्हें अपने लिए कौन से नंबर का अपोजिट जो कहते हैं हम ढूंढना चाहिए। अच्छा ये बात भी सही है, ये बाकी हमने और नंबर्स के लिए वैसे डिस्कशन हाँ, नहीं किया है, ये मैं पूछ रहा हूँ बिकॉज आपने कहा कि ये स्टबर्न होते हैं तो आई एम श्योर कि इनके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, उसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो जिनका भी बर्थ नंबर वन है, सिक्स है, और 1-6 वालों के लिए बहुत सही रहेगा कि 1 और 6 बर्थ नंबर वालों के लिए ठीक रहेगा, कंपैटिबल है, 4 कंपैटिबल रहेगा, 1 और 6 के साथ कंपैटिबल रहेगा, 7 के साथ भी कंपैटिबल रहेगा। सो राहु इज लाइक अ हेड एंड केतु इज लाइक अ धड़ नीचे वाला पोजीशन, तो राहु का 7 के साथ भी अच्छा जाएगा, 1 के साथ भी अच्छा जाएगा, 6 के साथ भी अच्छा जाएगा, ऐसा तीन तीन चीजों के साथ 3 के लिए अच्छा जाएगा। ओके, तो इनका ये साल कैसा जाएगा नंबर 4 का? ये जो साल है 2024 इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड शनि का साल है, लेकिन शनि का साल जब राहु के लिए आता है तो इट गिव्स अ गुड रिजल्ट, थोड़ा स्कैंडल या कॉन्फ्लिक्ट से बचना, अदरवाइज इट्स अ गुड ईयर, जस्ट जस्ट प्लान इट अकॉर्डिंगली। एंड अगला साल अच्छा नहीं है, अगला साल एक्सीडेंट प्रोन रहेगा इनके लिए, थोड़ा बच के रहना। और 2026 अच्छा है, 2027 और 28 इनके लिए ओके ओके है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और 2029 बहुत अच्छा है, 2030 इनके लिए नॉट गुड, अच्छा नहीं है, तो 2030 तक का ये ब्यौरा है। लेकिन हाँ ये वाला साल बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगला साल जो है थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन है, तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहने। और भी कोई रेमेडीज है हनुमान चालीसा को छोड़ के? राहु के केस में ना अगेन जो हमने एक रेमेडी बताई थी पहले वो की जा सकती है, इसमें ना कुत्तों को फीड कराया जा सकता है, वो सूट करेगी आपको, और आप रेगुलरली मंडेज को जो है वो ओम नमः शिवाय चैंट कर सकते हो, या शिवजी जी को जल अर्पित करके आ सकते हो मंडेज।